हेलो वेलकम ऑन ए टू जेड। आज की इस वीडियो में मेरे पास एक्सपेरिमेंट कैटेगरी से रिलेटेड बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज है। और मुझे पता है आप में से काफी लोग यूट्यूब पर काम करते हो और इन फ्यूचर यूट्यूब पर काम करना चाहते हो, तो मैं आपको वीडियो के एंड में एक ट्रिक बताने वाला हूँ। उस ट्रिक को अगर आपने चैनल पर यूज करोगे तो आपका चैनल काफी अच्छा ग्रो हो जाएगा। फर्स्ट बात करते हैं क्रेजी एक्स वाई जेड के बारे में। तो भाई लोगों, मुझे तो हिडन फैक्ट खोजने में बहुत ज्यादा मजा आता है। अब तो ए टू जेड के सब्सक्राइबर लोगों को भी हिडन फैक्ट खोजने में बहुत ज्यादा मजा आता है। तो आपको पता होगा क्रेजी एक्स वाई जेड का ये रिसेंटली वीडियो, इसमें एक हिडन फैक्ट है। जब कार यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई थी तो कार पर यहाँ पे लोगो था और वीडियो के बीच में ही पूरी कार में से सिर्फ ये जो लोगो है इसे बाहर निकाल दिया गया था। मतलब पहले लोगो था, बाद में लोगो को हटा दिया गया है। ऐसा क्यों किया गया, क्या आपको आइडिया भी है? और हाँ, क्या आपने इस चीज को नोटिस किया था? एंड अगर आपके पास भी कोई भी ऐसी न्यूज हो तो आप मुझे इंस्टा पर प्रोवाइड करवा सकते हो। इंस्टा लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में। सेकेंड न्यूज है क्रेजी एक्स वाई जेड के बारे में। आपको पता है क्रेजी एक्स वाई जेड ने ये वाला वीडियो अपलोड किया था, इस पे 18 लाख व्यू आए थे। तो ये व्यू देखने के बाद में एक कमेंट मेरे पास ऐसा भी आया था कि क्रेजी एक्स वाई जेड के व्यूज कम क्यों आ रहे हैं। तो फर्स्ट ये है कि भाई 18 लाख व्यू कम नहीं होते हैं। अगर आपको ये लगता है कि नॉर्मल वीडियो से इसमें व्यू कम आए थे तो यहाँ पे ऐसी बात है कि शेर शिकार करने से पहले थोड़ा दो कदम पीछे जाता है। वही बात है, ये वीडियो 18 लाख गया है तो इनका जो नेक्स्ट वीडियो था ड्रोन वाला वो ट्रेंड में गया था। तो वीडियो अभी तक #50 ट्रेंड कर रहा है ऑल इंडिया में। तो भाई क्रेजी एक्स वाई जेड के व्यू कभी भी कम नहीं होते हैं, क्योंकि अमित शर्मा अलग ही लेवल का हार्डवर्क करते हैं भाई। सेकंड बात करते हैं द एक्सपेरिमेंट टीवी के बारे में। अगर मैं कहूं कि अल्फाज भाई सौरभ जोशी से इंस्पायर्ड हुए हुए हैं व्लॉग में, तो आप इस पे एग्री करोगे? काफी लोग कर लेंगे लेकिन काफी लोग नहीं करेंगे। मैं अब ऐसा क्यों बोल रहा हूं, मैं ये इसलिए बोल रहा हूं कि कल मैंने नोटिस किया था कि मेरे मोबाइल में एक साथ में ही सौरभ जोशी का नोटिफिकेशन आया एंड अल्फाज भाई का नोटिफिकेशन आया, जैसे अभी स्क्रीन पे देख सकते हो। सौरभ भाई तो कभी के ही 8 बजे ही व्लॉग डाल रहे हैं, लेकिन अल्फाज भाई भी 8 बजे ही व्लॉग डाल रहे हैं। अब आप मुझे ये बताना कि अल्फाज भाई भी सौरभ जोशी से इंस्पायर्ड हुए हुए हैं व्लॉग में। थर्ड बात करते हैं एक्सपेरिमेंट किंग के बारे में। जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको कहा था कि मैं यूट्यूब से रिलेटेड एक आपको सीक्रेट ट्रिक बताने वाला हूं, तो वो यही ट्रिक है। एक्सपेरिमेंट किंग ने कुछ टाइम पहले ये वाला वीडियो अपलोड किया था और एक्सपेरिमेंट किंग पर इस पे 3 लाख व्यू आए हुए हैं, लेकिन इसी वीडियो को एक चैनल ने री अपलोड किया है, वो भी शॉर्ट फीड में, तो उस पे 4 करोड़ से भी ज्यादा व्यू आए हैं। और मैं आपको यही बोलना चाहता हूं कि अगर आपका चैनल न्यू है तो आप इस प्रकार का भी एक एक्सपेरिमेंट ट्राई कर सकते हो। बड़े बड़े यूट्यूबर्स का वीडियो अपनी वॉइस ओवर करके अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हो शॉर्ट वीडियो में। आपका वीडियो 100% वायरल होने का चांस है आपको, और आपको ये काम कंटिन्यू ही करना पड़ेगा। भाई लोगों, आज के इस अपडेट वीडियो में बस इतना ही अपडेट है। अगर आपको इस वीडियो के अपडेट्स में कुछ भी अपडेट अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना। इस वीडियो को लाइक किया मैं 400 लाइक। और हम मिलते हैं ऐसे किसी अपडेट वीडियो के साथ में नेक्स्ट वीडियो में।